नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर दिल्ली मौसम को लेकर आई है। दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार, आज रात से मानसून एक्टिव हो रहा है। दिल्ली के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब आपको गर्मी से राहत मिल जाएगी और दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश होने की प्रबल संभावना है। साथ ही यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। कई राज्यों के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी बीच उत्तरी राज्यों के अंदर आपको बता दें, भयंकर गर्मी पड़ रही है। 3 दिन से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब आपको दोस्तों गर्मी से राहत मिल जाएगी, क्योंकि आज रात से उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून एक्टिव हो रहा है, जिनमें दिल्ली NCR शामिल है। दिल्ली NCR में आज रात से लेकर दोस्तों 29 जून तक जमकर बारिश आंधी तूफान चलने वाला है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में 3 दिन तक जमकर बारिश होगी, लेकिन आपको बता दें अगले 3 दिन के बाद में पूरी दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश के आसार हैं। और अब की बार दोस्तों गर्मी भी रिकॉर्ड पड़ी है और दोस्तों भारी बारिश भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दिल्ली के अंदर दोस्तों जबरदस्त बारिश का अलर्ट IMD ने दिया है। असम, वहीं दोस्तों बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय के अंदर लगभग दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं 11,352 दोस्तों गांव में पानी जा चुका है। कई दोस्तों आपको नदियां उफान पर चल रही हैं। असम के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों नुकसान हुआ है। असम के अंदर NDRF SDRF की जो टीमें लगातार काम कर रही हैं। वहीं दोस्तों असम के अंदर लगभग 108 लोगों की अब तक मौत हो गई है और दोस्तों 352 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दोस्तों यहां पर 7,000 से ज्यादा गांव में पानी जा चुका है। तो बहुत ही बड़ी खबर मौसम विभाग को लेकर आई है। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आज रात से भारी बारिश शुरू हो रही है। आपसे विनती है कि आप सभी अलर्ट रहें, भारी बारिश के चलते बाहर न निकलें। वर्तमान में आपके जिले का मौसम